दोस्तों देवघर एयरपोर्ट में फ्लाइट की नाइट लैंडिंग में आ रही बाधा को दूर करने के लिए आईएल सिस्टम लगाने का सिविल वर्क तेजी से चल रहा है। अब देवघर एयरपोर्ट में रात्रि व कम विजिबिलिटी में भी फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा बहाल के लिए रडार लगाया जाएगा। डीजीसीए व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्लियरेंस मिल चुका है। एयरपोर्ट के रनवे के समीप रडार लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए हैदराबाद वो बेंगलुरु से विशेषज्ञों की टीम देवघर एयरपोर्ट आई है। रडार का इक्विपमेंट भी एयरपोर्ट पहुंच चुका है। एक सप्ताह के अंदर रडार लगाने का काम चालू हो जाएगा। एयरपोर्ट में आईएल सिस्टम वो रडार लगाने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। रडार में डॉपलर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑग्नि रेंज और हाई पावर डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, जिसमें रात वो खराब मौसम में फ्लाइट की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। रडार लगने से 200 किलोमीटर दूर से ही फ्लाइट का पता चल जाएगा। देवघर एयरपोर्ट पर सर्विलांस रडार नहीं होने से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कम विजिबिलिटी में विमान की स्थिति का पता नहीं लग पाता है। दोस्तों रडार को रेडियो डिटेक्टर एवं रैगिंग कहते हैं। यह रडार हवाई जहाज की लोकेशन डायरेक्शन आदि जानकारी रेडियो वेव्स की मदद से भेजता है और रिसीव भी करता है। रडार में एंटीना डिप्लेक्सर ट्रांसमीटर फेज लॉक लूप रिसीवर और प्रोसेस होते हैं। ट्रांसमीटर से हर सेकेंड रेडियो वेव्स निकलती है। इनकी स्पीड लाइट के बराबर होती है। ट्रांसमीटर से जब रेडिएशन छोड़ता है तो रिसीवर इनको कैच करके मैप डिजाइन करता है, जिसे यह रडार के डिस्प्ले पर दिखा देता है। दोस्तों इससे पता चल जाएगा कि रनवे पर कितनी देर में फ्लाइट लैंड करने वाली है। दोस्तों देवघर एयरपोर्ट पर लगातार फ्लाइट की एंडिंग में होने वाली प्रॉब्लमों के कारण ये सारा इक्विपमेंट लगाया जा रहा है। बार बार फ्लाइट्स को चाहे तो डाइवर्ट कर दिया जाता था या फिर कैंसिल कर रही थी, लेकिन कि इस रडार सिस्टम से फ्लाइट लैंडिंग में होने वाली दिक्कतें अब नहीं होगी। जैसा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर ये सारे इक्विपमेंट लगकर तैयार हो जाएंगे और चालू भी कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि आखिर यह कब तक तैयार हो पाती है और कब इसे चालू किया जाता है। ऐसे ही न्यूज से अपडेट आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।